लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल अगर ये सस्टेन करते हैं फिगर्स, उत्तर प्रदेश में रिवाइवल है कांग्रेस का, और ये एक मेजर बात है। अगर ये सस्टेन कर लेती है कांग्रेस, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और जैसा कि कहा गया कि वहाँ पर जो इलेक्शन लड़ा गया खासकर अमेठी में, उसमें प्रधानमंत्री मंडी में तो गए कैंपेन करने कंगना रनौत के लिए, लेकिन अमेठी में कैंपेन करने नहीं आए। तो इससे जाहिर है कि शायद उनको पहले इस बात का अंदेशा था कि अमेठी की सीट आसानी से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती और प्रधानमंत्री अपनी प्रतिष्ठा वहाँ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र इज द सेकेंड बिगेस्ट स्टोरी आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ने एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपनी इनविंसिबिलिटी, विनोद जी रुझानों में यूपी से बीएसपी साफ दिख रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, रुझानों में उत्तर प्रदेश से बीएसपी साफ दिख रही। राजीव, जो आप बात कह रहे थे कि क्या ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा होगा कि बीएसपी का न सिर्फ सीट शेयर बल्कि वोट शेयर भी तकरीबन साफ उत्तर प्रदेश से। पिछली बार 19% का वोट शेयर था और 10 सीटें थी। सीट का तो कोई सवाल ही नहीं है, बीएसपी का खाता तो खुलना ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये तो पीछे भी नहीं खुला था 14 में भी। सीट नहीं आनी एक अलग बात है, लेकिन बीएसपी जहां 4-4 लाख वोटों की गिनती हो गई, वहां 4,000-3,000 उसके कैंडिडेट हाथी चुनाव चिन्ह को मिलेगा। हाँ, कई जगह निर्दलीय उनसे आगे, हाँ कई जगह निर्दलीय उनसे ज्यादा, उनका वोट गया कहां? किसी भी सीट पर बीएसपी का 14% से कम वोट नहीं है, 15% से, तो उनका वोट गया कहां, कहां जा रहा है? 14 में तो बीजेपी के साथ गया था। नहीं नहीं, अभी तो इधर लग रहा है, 24 की बात कर रहे हैं, 14 में इधर गया। ये 24 में उनका वोट कहां गया?